Hello students, so in previous lecture we studied properties of matrix multiplication and some sums about matrix multiplication. Now we do one more examples of this based on matrix multiplication, addition, subtraction, जो भी हमारे properties है matrix की वो सारे operations हम यहाँ पे देखेंगे एक ही साथ. Okay, so question is कि if a is equals to 0 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2, 0 and I is the identity matrix of order 2. Then we have to show that the I plus A is equals to I minus A into this matrix. Okay. So now look at here कि यहाँ पे matrix जो दिया हुआ है वो cos alpha sin alpha में है. A जो matrix दिया हुआ है वो 0 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2, 0 में है. ओके और यहाँ पे हमें कुछ जरूरत पड़ेगी उसके मल्टीप्लिकेशन करने की. सो वहां पे आप लोगों को अगर यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे साइन कॉस है, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करेंगे तो कुछ डिफिकल्टीज हो सकती है. तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वी हैव सम फॉर्मूला फॉर साइन एंड कॉस विच इज कन्वर्टेड इंटू 10 साइन 2 अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा की हमारे पास ऐसी फॉर्मूला है जहां पे हम लोग साइन एंड कॉस को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके सो फॉर्मूला हमारे पास क्या थी, हमने 11th स्टैंडर्ड में देखी कि साइन अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा. बट वी वॉन्ट 10 अल्फा बाय 2, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी 2 अल्फा की फॉर्मूला है हमारे पास. तो अब हमें यहाँ पे अगर अल्फा बाय 2 चाहिए तो थीटा को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा और यहाँ पे 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. सेम वे में यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. ओके सो अब हमें यहाँ पे साइन कॉस की फॉर्मूला मिल गई 10 अल्फा बाय 2 में. तो अब सारी टर्म्स हमारे पास 10 अल्फा बाय 2 है तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे क्या सपोज कर देंगे कि सपोज 10 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू टी. ओके एंड नाउ वी मूव ऑन अवर प्रूफ की LHS इज इक्वल टू RHS. सो LHS इज व्हाट आई प्लस ए. I is identity matrix of order 2, that means कि 1 0 0 1 plus A को अगर हमें T के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 0 minus T, T and 0. 10 alpha by 2 को किससे रिप्लेस करना है T से. तो एडिशन करेंगे हम यहाँ पे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा 1 plus 0 1 0 minus T, that means कि minus T 0 plus T, that means कि T एंड 1 प्लस 0 दैट मीन्स की 1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. ओके सेम वे में हमें RHS लाना है तो RHS इज इक्वल टू व्हाट I माइनस A cos अल्फा माइनस sin अल्फा फिर sin अल्फा एंड cos अल्फा. ओके सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स हमारे पास टी के फॉर्म में क्या था 0 माइनस टी टी 0. ओके सो दिस इज आई माइनस ए. अब हमें कौन सा मैट्रिक्स लिखना है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा वाला जो दिया हुआ है वो. ओके यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू है. तो यहाँ पे अगर इसको हमें टी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड सेम चीज यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर बिकॉज वी एज्यूम दैट 10 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू टी. तो अब हमें साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा को टी के फॉर्म में लिखना है तो हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू
वन माइनस सी स्क्वायर, वन प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर। साइन अल्फा के आगे माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। देन अगेन साइन अल्फा, सॉरी सिर्फ टी, ओके, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, एंड लास्ट में वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, नाउ वी सब्ट्रैक्ट दिस टू मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस माइनस टी दैट मीन्स की प्लस टी, जीरो माइनस टी दैट मीन्स की माइनस टी, एंड वन माइनस जीरो वन। ओके, एंड दिस मैट्रिक्स एज इट इज, वन माइनस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर, माइनस टू टी, वन प्लस टी स्क्वायर, टू टी, वन प्लस टी स्क्वायर, एंड देन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, सो वी हैव वन इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे होरिजोंटल, ये वर्टिकल, सो यहाँ पे वन माइनस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर, प्लस एडिशन में क्या होगा, टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो टू टी इंटू टी डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। सेम वे में वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी को वन को इसके साथ एंड टी को इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर इंटू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सेम चीज, माइनस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर, प्लस वन, वन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, एंड नाउ लास्ट, माइनस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो टू टी और टी पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस, और ये वन प्लस टी स्क्वायर, और एडिशन में वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे माइनस टू टी प्लस टी माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, सेम चीज यहाँ पे, माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, एंड लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, टू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, सो वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। सेम यहाँ पे देखोगे तो टी माइनस टू, ओके, तो टी माइनस टू टी क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा माइनस टी, और ये माइनस टी क्यू, और इसमें से हम लोग माइनस टी कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टी वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे पॉजिटिव है, ये प्लस टू टी माइनस टी, तो यहाँ पे प्लस टी क्यूब होगा, प्लस टी क्यूब, तो वहां पे क्या प्लस टी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे सेम वन टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर और वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। ओके, सो यहाँ पे वन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस टी, ये प्लस टी और ये वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू, दैट मीन्स की हमारा आर एच एस। ओके, सो अब आप लोग देखोगे कि वन एंड टू,
दोनों इक्वल मिल गए, दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS. ओके, सो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया कि शो दैट I plus A इज इक्वल्स टू I माइनस A into this matrix. ओके, सो कुछ नहीं है, सिर्फ 11th की कुछ फॉर्मूला और सपोज करके करोगे तो ये सम बहुत इजी हो जाएगा. ओके, सो नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी डू वन टू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस.